विधायक शिल्पी ने हाथीर के शंकर ज्वेलर्स के संचालक से मिल लूट की घटना की निंदा करते हुए संवेदना किया प्रकट। मांडर प्रखंड के मांडर मिशन स्थित शंकर एंड सन्स ज्वेलर्स दुकान में कल जो अनुमानतः 65 से 70 लाख के जेवरात व लगभग 30,000 रुपए नकदी की लूट जो घटना घटी, उस समय विधायक पाकुड़ के एक पार्टी कार्यक्रम में गई हुई थी। सोशल मीडिया एवं अखबार के माध्यम से जानकारी मिलने के तत्पश्चात आज स्थानीय विधायक शिल्पी नेहा तिर्की कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव के साथ मिशन मांडर स्थित शंकर एंड सन्स ज्वेलर दुकान पर पहुंची। मौके पर मांडर थाना के प्रभारी विजय कुमार यादव भी उपस्थित थे। विधायक उस दुकान का पूरा निरीक्षण किया जहां यह घटना शनिवार दोपहर 2 बजे घटी थी। दुकान के मालिकों अभय सोनी व विवेक सोनी से भी मुलाकात कर घटना की जानकारी ली एवं दुखद घटना पर संवेदना प्रकट किया। विधायक थाना प्रभारी से मिलकर इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से या अन्य तरीके से जल्द पकड़ उनके साथ कठोर कार्रवाई करें। विधायक इस घटना को लेकर ऊपर के भी बड़े प्रशासनिक पदाधिकारियों से बात कर अपराधी के शीघ्र पकड़ने की बात कही है। पुलिस प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए फोरेंसिक टीम को जांच में लगाया और कई पदाधिकारियों को छापामारी में लगा दिया है। पुलिस के आला अधिकारी भी अपराधियों के जल्द गिरफ्तारी को लेकर सक्रियता दिखा रहे हैं। रांची मांडर से डॉक्टर संजय प्रसाद की ये रिपोर्ट। पूजा पाठ वाला है, देख लीजिए। जो है आप ले लीजिए, कुछ नहीं है मालिक। कुछ छोड़ दिया ना भैया, निकालो भेजा जाओ।